मिश्रिक तहसील से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च और सीधे जा पहुंचे भाजपा कार्यालय सीतापुर, जहां उन्होंने जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के सामने अपनी कुछ मांगे रखी कि मिश्रिक से जिसे भी टिकट मिले वह भाजपा का कार्यकर्ता हो, किसी भी नए चेहरे को टिकट ना दिया जाए तथा मिश्रिक नगर पालिका की सीट जो कि ओबीसी घोषित हुई है उसको लेकर भी विरोध दर्ज किया गया। इस पर आश्वासन देते हुए जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। किस विषय के लिए आए हैं, क्यों? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में आया होगा कि मिश्रिक नगर पालिका की सीट ओबीसी हो गई है, तो उन लोग का एक मत था कि वो पिछली बार भी आरक्षण में रहा तो वो अपने एक आपत्ति उस पर दर्ज करने के लिए आए थे, तो वो आपत्ति प्रशासन के द्वारा ऊपर तक जाएगी, हम लोग भी उस विषय को ऊपर रखेंगे। दूसरा विषय ये था कि मूल कार्यकर्ता ही मिश्रिक से चुनाव लड़े, तो ये मैंने पहले भी आप लोग से जब मेरा संवाद हुआ है तो मैंने कहा है कि मेरा 100% ये प्रयास रहेगा कि इस बार हमारी 11 की 11 नगर पालिकाओं में हम मूल कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाएं। एक विषय उनका था जिसमें हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष हमारे पदाधिकारी एकमत होकर आए थे, उनके विषय का सम्मान रखते हुए उनके इस विषय को ऊपर पहुंचाने का काम करूंगा और अपने जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जरूर प्रयास करूंगा कि हर नगर पालिका में मूल कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े। सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, एकमत होकर सब चल रहे हैं।